एक 25 साल का लड़का एक व्यक्ति ने मेरे पास में लाया, काफी डिप्रेशन में है और अपने ही इमेजिनेशन में और अपने ही ख्याल में पड़ा हुआ है घर में, तो उसका इलाज करने के लाया। तो एक केस स्टडी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे, कोई तहसीलदार बनेंगे या कोई तलाटी बनेंगे या कोई कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल बनेंगे या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, इसके चक्कर में जब जाते हैं और उनका जो एक विश्वास हो जाता है कि भाई नहीं मैं पास हो जाऊंगा और मेरे को नौकरी लगेंगी, उससे कितना नुकसान हो जाता है। क्योंकि लोग जो है कोचिंग क्लास वाले, वो उनको गलत एश्योरेंस देते हैं, वो उनको ज़्यादा का एश्योरेंस देते हैं कि हो ही जाएगा, उससे क्या प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में वीडियो है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जो 25 साल का लड़का है जो पिताजी ने मेरे पास में लाया, पिछले 3 साल से वो अलग अलग एग्जाम दे रहा है। वो बैंक की एग्जाम देता है, वो तलाटी की एग्जाम भी देता है, वो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम देता है, वो पुलिस अधिकारी की भी एग्जाम देता है, वो तहसीलदार की भी एग्जाम, अलग अलग एग्जाम देते जाता है। बीए होके अभी उसको 4 साल 5 साल हो गए, करीब करीब 5 साल में उसने काफ़ी एग्जाम दिया और पिछले 3 साल से तो वो ख्याल में है कि मेरे को तो पक्की नौकरी लगने वाली है। उसको जो नौकरी थी पहले ऐसी प्राइवेट, वो उसने छोड़ दिया। घर में अकेला ही कमाने वाला है, घर में खाने के भी वांदे हैं, पिताजी अभी रिटायरमेंट में आ गए, बोलते कि भाई लड़के ने काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ नौकरी पकड़ना चाहिए, मगर ये बोलता नहीं मेरा सिलेक्शन तो होगा ही। कभी कभी वो उसमें झूठ भी बोल देता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, थियरी में पास हो गया, प्रैक्टिकल बचा हुआ है, क्योंकि उसको उसका मुंह छुपाना पड़ता है करके, फिर लोगों को ये बोल देता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मगर अपने पुलावी ख्यालों में रहते रहे कुछ ख्याल कि नहीं अभी हो जाएगा, एक तो भी हो ही जाए, अभी इस बार तो होता ही हूँ मैं, अभी तो पास ही हो जाऊँगा, ऐसे इसमें वो रहता है। अभी देखिए कि जब वो ऐसा रह रहा है तो ये कारण भी क्या है। अभी कारण ऐसा है कि कुछ कोचिंग क्लास वाले जो हैं वो भी उनको ऐसा एक लोगों को हाजिर बताते हैं कि नहीं आपका तो लग जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो होशियार हैं, और उसमें फिर वो उनको लगता है कि नहीं जब सर हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा नंबर लग जाएगा, फिर उनके पास में फ़ोटो लगे हुए रहते हैं बड़े बड़े कि नहीं नहीं ये इतने लोगों के नंबर लग गए, इतने लोगों को नौकरी लग गई, तो उसमें वो आके बोलते कि नहीं अपना भी लग ही जाएगा, और फिर वो फीस भरते रहते, चक्कर काटते रहते, एग्ज़ाम देते रहते, और एक्चुअली रियलिटी से उनका कोई रिश्ता रहता नहीं। रियलिटी में कितने मार्क मिल रहे हैं, रियलिटी में अप टू द मार्क है क्या, रियलिटी में उतनी पढ़ाई आप कर रहे हैं क्या, उतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितनी चाहिए उतनी उस तरह की पढ़ाई, उस तरह का कोचिंग आप ले रहे क्या, वो होता नहीं है। और सिर्फ अपने ख्यालों में कि नहीं नहीं मेरे को तो लग जाएंगे नौकरी। अब घर के लोग तंग आ गए कि ये रोज ये बोलता है कि अभी इस बार तो मेरे को लगेंगे, अभी ये एग्ज़ाम है, परसों ये एग्ज़ाम है, धीरे धीरे अभी एग्ज़ाम देना उसने कम कर दिया, पढ़ाई भी कम कर दिया, और घर में बैठे रहता है अकेला, काम भी नहीं करता, अब इसका करना क्या। तो ये मुझे आपको बच्चों को बताने का है कि आप कितना दिन तक कोशिश करते रहेंगे, मतलब कितने दिन तक एग्ज़ाम देते रहेंगे, आप कितने महीने तक एग्ज़ाम देते रहेंगे। आपने अपने आप को एक ठहरा के लेना चाहिए कि ठीक है भाई मैं 2 साल तक इसकी पढ़ाई करूँगा, 2 साल में अपने आप को ट्रायल दूंगा, नहीं जमता है तो छोड़ देंगे, कितना करेंगे। क्योंकि जो 2 साल पूरा फुल टाइम पढ़ाई करके भी जो नहीं जम रहा है उसको, और जब घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, हाँ एक बात ऐसी है कि भाई ठीक है घर में खाने पीने के लाले नहीं है, खाने पीने के वांदे नहीं है, फिर आप 5 बार भी 5 साल बैठे रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग जाएगा कभी ना कभी नंबर। मगर घर में प्रॉब्लम भी है, बार बार आप एग्जाम दे रहे, बार बार आप उसमें फेल होते जा रहे, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इनसैनिटी। बार बार वही करना और अच्छे रिजल्ट आएंगे ऐसा विश्वास करना, ऐसा सोचना, ये पागलपन है। तो सभी लड़कों को मुझे ये बोलना है कि भाई आप कोई बहकावे में नहीं आना, रियलिटी टेस्टिंग करना जरूरी है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या मेरी पढ़ाई वो काबिलियत की है क्या कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगा, उतने मार्क मिलाऊंगा और मेरे को मुझे मतलब अच्छे मार्क मिलके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो रियल टेस्टिंग करो, वास्तविकता से अपना संबंध बना के रखो, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। क्यों क्या होगा, एक तो उम्र बढ़ती जाएंगी, अच्छे चांसेस है वो निकल जाते हैं, बाद में प्रॉब्लम आता है कि लड़का काम करता नहीं इसलिए लड़कियाँ मिलती नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ भी आजकल बहुत पढ़ी लिखी हैं, लड़कियाँ कम है, नंबर जो है वो कम है लड़कियों का, चॉइस अभी लड़कियों के पास में कि कौन सा लड़का सिलेक्ट करना, फिर इसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन, और उसमें फिर ज़्यादा एक मानसिक बीमारी होते जाती है, ज़्यादा लोगों को होते जाती है। तो ये प्रिवेंशन करने के लिए अपने आप में एक लिमिट ठहरा दो,
कि भाई मैं इतने दिन तक करूंगा, ताकत से करूंगा, 100% नहीं 1001% दूंगा, और नहीं होता है तो ठीक है फिर जो संभव है, जो पॉसिबल है, जो सहज हो सकता है वो करो, क्योंकि घर में यदि प्रॉब्लम है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये वीडियो आप जरूर लोगों को शेयर करो ताकि ऐसे जो लोग उसमें मतलब सकम हो रहे हैं, उसमें उनको जो प्रॉब्लम हो रहे हैं तो प्रॉब्लम से लोग बच जाएंगे और अपना जीवन जो है उसमें जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।